गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो हिंदी में हमारा चैप्टर चल रहा है म्याओ म्याओ। आज हम उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? और साथ में मैं आपको होमवर्क भी देती जाऊंगी। तुम्हें अपनी दोस्त सुहानी याद है ना? उसका एक नटखट दोस्त भी था। उस नटखट दोस्त का नाम लिखो। आपको ये होमवर्क में करना है, ठीक है? ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस कविता में बिल्ली की आवाज़ किसने निकाली? उसका भी नाम सोचो। कविता में बिल्ली की आवाज़ एक लड़की ने निकाली थी, लेकिन उसका नाम नहीं दिया था, और मैंने उसका नाम रखा है रानी। आपको कोई और नाम पसंद हो तो आप वो भी रख सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो क्या करती? ये भी आपका होमवर्क है, ठीक है? ये भी आपको क्वेश्चन होमवर्क में करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कविता में लड़की ने म्याऊं की आवाज़ निकाली थी। म्याओ की आवाज़ सुनकर चुहिया पर क्या असर हुआ होगा? तो चुहिया को लगा होगा कि बिल्ली आ गई और वो डर गई होगी, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम्हें सबसे ज़्यादा डर किससे लगता है? तब तुम क्या करते हो? ये मैं अपना बता रही हूँ, आप अपना लिखना, ठीक है? ये सबका अलग अलग हो सकता है आंसर। तो मेरा हैगा, मुझे सबसे ज़्यादा डर छिपकली से लगता है। मैं उसे डराने के लिए कभी पानी के छींटे मारती हूँ तो कभी झाड़ू से डराती हूँ, ठीक है? ये सबका आंसर अलग अलग होना चाहिए, क्योंकि सबको अलग अलग चीज़ों से डर लगता है और अलग अलग तरीके करते हैं ना उसको डराने के लिए, ठीक है? ये बस मैं आपको तीन चार क्वेश्चन ही दे रही हूँ, क्योंकि आपको अपने टेस्ट के लिए भी प्रिपेयर करना है। ओके, ध्यान से देख लीजिए ये, और ये आपको वीडियो के थ्रू ही करना है। ओके, चलिए, गुड लक।